बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। शिवालिक नगर नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगरपालिका परिसर में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। साथ ही केवल नगरपालिका कार्यक्रम ही नहीं बल्कि संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजी देख लोगों का दिल बाग बाग हो गया। आजादी का ऐसा जश्न लोगों ने पहली बार देखा। हर गली मोहल्ले में केवल तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहे थे, जैसे कि भारत माँ आज बेहद खुशी जाहिर कर रही हो। राजीव शर्मा ने यह भी विशेष प्रयास किया कि अमर शहीदों के पार्क या स्थलों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उनके साहस एवं वीरता पर गर्व महसूस करते हुए राजीव शर्मा ने कहा कि ये सच है कि भारत आजाद है, हम आप आजाद हैं, हमको अपने ढंग से जीने बोलने लिखने की पूरी आजादी है, लेकिन इस आजादी के लिए जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए उन्हें और उनके बलिदान को कभी मत भूलना चाहिए। अंत में मिष्ठान वितरण किया गया। स्वतंत्रता दिवस और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान और उसी के अनुरूप हमने अपनी नगर पालिका में बहुत भव्यता दिव्यता और बहुत उमंग उत्साह के साथ इस पूरे कार्यक्रमों की श्रृंखला को मनाया है। चाहे हमारी तिरंगा रैली रही, हमारी प्रभात फेरी रही, जितने भी हमारे चौक चौराहे महापुरुषों की प्रतिमाएँ और जितने भी हमारे शहीद स्मारक, हमने उनको बहुत ही सुंदरता के साथ सजाया है। और इन सारे कार्यक्रमों में न सिर्फ नगरपालिका बल्कि आम जनता ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। रात के 12-12 बजे तक लोगों ने हमारे जहाँ भी साज सज्जा थी वहाँ जाकर चित्र लिए, सेल्फी ली, फ़ोटो लिए, यानी कि सबके अंदर एक ऐसा भाव था कि जैसे वो अपना एक राष्ट्रीय पर्व अपने धार्मिक पर्व से ज़्यादा उत्साह उमंग के साथ मना रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर पूरे क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं बधाई दूंगा। ये 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव है और हम सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस अमृत महोत्सव को देख रहे हैं और ये अवसर है जिन लोगों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, उन नायकों को, उन महानायकों को, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको नमन करने का, उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद हवा के अंदर सांस ले पाए। हरिद्वार से अपडेट मीडिया के लिए रणविजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।